हेलो फ्रेंड्स, तो यार डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के रूमर्स तो बहुत सारे हैं कि इस मूवी में हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स के कैमियोस देखने को मिलेंगे, और इन्हीं रूमर्स में बहुत सारे स्पाइडरमैन का भी नाम आ रहा है। अब यार देखो, शुरू में तो बस टोबी मैग्वायर का ही नाम सामने आया था कि वो इस मूवी में जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे एंड्रू गारफील्ड का भी नाम सामने आया, फिर उसके बाद टॉम हॉलैंड का नाम आया, स्पाइडर ग्वेन का नाम आया, फिर माइल्स मोरालेस, और फिर एक अखंड वाहियात बात सामने आई कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में लियोनार्डो डी कैप्रियो भी स्पाइडरमैन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें यार लिटरली सच्चाई तो 1% भी नहीं है, और ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और दोस्तों, स्पाइडरमैन के अलावा प्रोफेसर एक्स, डेडपूल, कैंग द कॉन्करर, वॉल्वरिन, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन कार्टर, लोकी, थैनोस का अच्छा वाला वेरिएंट, फिर टॉम क्रूज का आयरन मैन, बहुत सारे ज़ॉम्बीज और न जाने क्या क्या। लेकिन यार इतने सारे कैमियोस का होना वो भी सिर्फ एक मूवी में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों इतने सारे कैमियोस को दिखाने के लिए मूवी भी 4-5 घंटे की होनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि असलियत में कौन कौन सा कैरेक्टर हमें इस मूवी में दिख सकता है। तो दोस्तों, ये तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जरूर दिखेगा, और उनके कैमियो के बारे में बहुत सारे इनसाइडर्स ने कंफर्म भी किया है। और इसके अलावा कुछ प्लॉट लीक्स के मुताबिक भी ऐसा कहा जा रहा है कि जहां से टोबी मैग्वायर का कैमियो इस मूवी में खत्म होगा, वहीं से उनके स्पाइडरमैन 4 की जर्नी शुरू होगी, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि शायद टोबी मैग्वायर की स्पाइडरमैन 4 अभी भी बन सकती है। लेकिन यार इस बात की गारंटी मैं अभी तो नहीं दे सकता, अभी बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि टोबी मैग्वायर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जरूर होंगे, और उनके अलावा शायद टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी इस मूवी में दिख सकता है। लेकिन यार शायद कंफर्म नहीं है, क्योंकि टॉम हॉलैंड के बारे में अभी तक कोई कंफर्म रूमर हमारे सामने नहीं आई है, और इसलिए शायद अगर केविन चाचा का दिल थोड़ा सा और भी बड़ा हो गया तो फिर टॉम हॉलैंड भी इस मूवी का हिस्सा बन सकते हैं। और यार बस इसके अलावा और कोई भी स्पाइडरमैन आपको इस मूवी में नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, अब स्पाइडरमैन से हटकर डेडपूल के 70-80% चांसेस है इस मूवी में दिखने के, और ये वाली इमेज इस बात का सबूत भी देती है। हालांकि डेडपूल को प्ले करने वाले एक्टर रायन रेनॉल्ड्स ने साफ साफ कह दिया है कि वो इस मूवी में नहीं होने वाले, लेकिन यार ऐसी बातें तो एंड्रू गारफील्ड भी बोलते रहते थे कि मैं स्पाइडरमैन नो वे होम में नहीं हूँ, लेकिन यार फिर उसके बाद क्या हुआ ये सब तो हम जानते ही हैं, और इसलिए डेडपूल का कैमियो भी इस मूवी में हमें देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद प्रोफेसर एक्स की तो आवाज ही हमने सुन ली, तो यार वो तो इस मूवी में 100% है ही। फिर उसके बाद टॉम क्रूज का आयरन मैन अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों अब रूमर्स इतने ज्यादा फैल चुके हैं कि अगर अब टॉम क्रूज का आयरन मैन नहीं दिखाना तो ऑडियंस जो है वो तो बवाल ही कर देगी, अनलेस कि टॉम क्रूज की जगह रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन इस मूवी में दिखा दिया जाए तो, क्योंकि यार बस यही एक ऑप्शन है जिससे ऑडियंस टॉम क्रूज के आयरन मैन के बारे में भूल सकती है। फिर उसके बाद कैप्टन अमेरिका तो नहीं, लेकिन कैप्टन कार्टर हमें इस मूवी में जरूर दिखेगी, जिसकी एक ओरिजिन स्टोरी भी हमने व्हाट इफ के फर्स्ट एपिसोड में देख ली थी। और दोस्तों, ये कैप्टन कार्टर मोस्ट प्रोबेबली इल्यूमिनाटीज के यूनिवर्स की हो सकती है। फिर उसके बाद बारी आती है ह्यूग जैकमैन के वॉल्वरिन की, जिसके बारे में शुरुआत में तो बहुत सारे रूमर्स उड़े थे, लेकिन फिलहाल अब उनके कैमियो को लेकर कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही, तो इसलिए दोस्तों उनका कैमियो अभी भी इस मूवी में डाउटफुली है। फिर दोस्तों अगली रूमर है ज़ॉम्बीज की, जो अब शायद रूमर नहीं बल्कि सच्चाई बन चुकी है, क्योंकि यार ट्रेलर के इस वाले सीन में हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के एक ज़ॉम्बी वर्जन को भी देखा था। तो यार हाँ, भले ही सभी सुपर हीरोज के ज़ॉम्बी वर्जन इस मूवी में ना हो, लेकिन अपने डॉक्टर साहब का ज़ॉम्बी वर्जन तो जरूर है। तो दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं कि क्या कैंग द कॉन्करर भी इस मूवी में हो सकता है या नहीं। तो यार देखो, अब इस मिस्टीरियस कैरेक्टर को बहुत लोग आयरन लैड का भी नाम दे रहे हैं, जो कि कैंग द कॉन्करर का ही एक अच्छा वाला वेरियंट है। तो यार इसलिए हाँ, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी जरूर है कि ये आयरन लैड हो सकता है, बट यार यहाँ हम बात कर रहे हैं कैंग द कॉन्करर की, जो कि आने वाले वक्त का मेन विलन होने वाला है। तो दोस्तों, कैंग द कॉन्करर के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इस मूवी में जरूर होगा, लेकिन यार पूरी मूवी में नहीं बल्कि उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहां ऐसा हो सकता है कि लोकी जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलेगा और अपनी पूरी कहानी बताएगा कि उसके साथ बीते कुछ दिनों में क्या क्या हुआ, और उसी दौरान शायद हमें कैंग द कॉन्करर का एक हल्का सा लुक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों अब कैंग द कॉन्करर एंटमैन 3 में अपियर होने वाला है, तो इसलिए थोड़े बहुत चांसेस हैं कि कैंग द कॉन्करर का फर्स्ट लुक हमें इस मूवी में दिखा दिया जाए। तो यार बस आज के लिए इतना ही, आप लोग कौन कौन से कैरेक्टर्स को इस मूवी में देखना चाहते हो ये मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।